यो जोगिंदर खरा भाई, जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा छुप छुप के, इतना हक दूंगा इन खेतों में, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। सो हिट्स गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इन दो बंदों के बारे में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे अपने लागा गेमिंग है, सेकंड नंबर पे क्रेजी FFX। तो भाई इसी वीडियो में हम इस दो बंदों के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट नंबर बता दूँ, लाका गेमिंग है, ठीक है, उनको आप सब जानते होंगे, लेकिन जो क्रेजी FFX है, ठीक है, इसको बहुत कम बंदे जानते होंगे। ये एक एनजी गिल्ड के जाने माने प्लेयर है, ठीक है, जो क्रेजी FFX है। एंड अभी के समय पर ये बंदा गिल्ड से लीव हो गया, एनजी गिल्ड से, ठीक है। एंड क्या इसका सीन, मैं पूरा आपको वीडियो में बताऊंगा। एंड उससे पहले बता दूँ जो लाका गेमिंग का क्या सीन है, ठीक है। अभी के समय पर गाइस मेरे को लाका गेमिंग का कैसा हैक पता चला है, पैनल पता चला है, ठीक है, जिसको यूज़ करके वो अपनी जो गेम है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता है एंड उसी से गेम प्ले करता है, ठीक है, पैनल बाईपास पैनल यूज़ करता है, ठीक है। इस वीडियो में फुल प्रूफ देने वाले हैं, ठीक है, एंड उसी के क्लिप से, ठीक है, आपको एक वीडियो दिखाने वाला है जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो बंदा पैनल यूज़र है एंड हैकर है, ठीक है। तो गाइस चलो, एंड गाइस मैं बता दूँ, ये जो क्लिप है, ठीक है, ये मैंने नहीं ली, मतलब ये जो क्लिप है मैंने किसी के वीडियो से ली है, तो इसका जो पूरा क्रेडिट है उस बंदे को ही आता है, ठीक है। तो उसका चैनल का जो चैनल है, ठीक है, वो मेंशन हो रहा होगा। तो भाई चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई दिखाते हैं पहले नंबर पे तो वो क्लिप, ठीक है, एंड जिसमें ये बंदा है कि यूज़ कर रहा है पैनल यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो क्लिप दिखा दे रहे हैं। तो भाई ये देखो, ये जो पैनल है, ठीक है, तो भाई देखो ये है वो क्लिप, ठीक है, जिसमें ये बंदा AWM चला रहा है, ठीक है, एंड जो इसका जो एम है वो रेड हो रहा है, एनिमी के ऊपर आने पे जो उसका एम है वो रेड हो रहा है। और सबको पता है जो AWM है, ठीक है, उसका जो एम है, ठीक है, वो आता ही नहीं है। अगर आता, अगर बंदे वो बीच में पेट वगैरह भी लगाते हैं तो उसका जो एम है वो रेड नहीं होता। इसका गाइस बिल्कुल ही रेड आ रहा है, ठीक है। देखो आप अगर वीडियो बीच बीच में रोक के देखोगे, ठीक है, इसके चैनल पे वो वीडियो आपको यहाँ क्लियर दिख जाएगा, AWM ली हुई है, डबल AWM, ठीक है, एंड जो उसका एम है, ठीक है, वो रेड हो रहा है। इससे गाइस क्लियरली पता चल जा रहा है बंदा ये हैक यूज़ कर रहा है, पैनल यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं प्रूफ आपको देने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अपनी इसकी वीडियो में ही जाकर देख लो, ठीक है, इसके चैनल पे ये वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, चैनल मतलब जो टाइटल है ये देख के आप जाके ईजिली देख सकते हो, जो इसमें ये AWM चला रहा है, इसका जो एम है, ठीक है, पूरा पूरा रेड हो रहा है बंदे के ऊपर एम जाने पर, ठीक है, वो भी AWM से, ठीक है। एंड गाइस मेरे को तो लगता है इससे ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन कुछ चूतिया ऑडियंस है, ठीक है, जिसको हम प्यार से पिकाचू बोलते हैं, उनको ये बात अभी भी नहीं समझ लगेगी, तो उनको बताने का फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, इस वीडियो में। तो गाइज यही थी, एंड गाइज ये जाके आप इजीली देख सकते हो। एंड गाइज मैंने लाका गेमिंग के ऊपर पहले भी एक दो वीडियो बना रखी है, ठीक है, जिसमें से मैंने उसमें भी प्रूफ दिए हैं, लेकिन उसमें ऑडियंस है वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो भाई इस क्लिप में क्लियरली इसके चैनल पर जाके देख लो, आपको खुद ही खुद पता जाएगा, जो AWM चलाता है जिसका 60-70 लेवल है उसको पता होगा, ठीक है। एंड गाइस जिसको नहीं पता, जो 20-30 लेवल वाले चूती ऑडियंस आते हैं, ठीक है, पिकाचू नाम वाले, उनको नहीं पता चलेगा, तो उनको उनके लिए वीडियो नहीं है, तो आप यही वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। एंड गाइस चले जाते हैं जो सेकंड नंबर का बंदा है, ठीक है। तो भाई जो सेकंड नंबर का बंदा है, ठीक है, वो है क्रेजी FFX, ठीक है। तो भाई ये बंदा एनजी गिल्ड में था, ठीक है, एंड इस ये जो बंदा है इसने बोला कि मतलब मैं एक न्यू आईडी परचेस कर रहा हूँ एंड मेरी जो आईडी है गिल्ड में ले लोगे कि नहीं। तो एनजी गिल्ड वालों ने बोला हाँ भाई ले लेंगे, तुम आईडी परचेस कर लो। एंड जैसे ये गिल्ड लीव किया अपनी न्यू आईडी डालने के लिए, ठीक है, तो भाई अब एनजी गिल्ड वाले इसको बोल रहे ज्वाइन के मतलब कस्टम होता है कि 1v4 1v6 निकालना होता है, ठीक है, वैसे 1v2 का है, तो भाई वो जो निकालना होता है आपको दोबारा वो करना पड़ेगा, फिर ही आप गिल्ड में आ सकते हो। तो भाई ये बंदा बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं जो भी आपका रिक्वायरमेंट है मैं वो कंप्लीट करके गिल्ड में आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसके बीच में एक बंदा आता है, ठीक है, जिसमें इन लोगों की लड़ाई वगैरह होती है, जिसमें ये बंदा एक दूसरे का मतलब वो भी इसका नंबर वायरल करता है एंड ये भी उसका ऑब्वियसली नंबर वायरल करता है, ठीक है। तो अगर सामने वाला बंदा करेगा तो भाई आप सबको पता है, अगर सामने वाला बंदा करेगा तो हम कौन सा कम है, ठीक है। तो भाई इतनी बात हुई एंड गाइज इस बंदे को गिल्ड से किक कर दिया, ठीक है। एंड गाइज ये मेरे को बात बिल्कुल सही नहीं लगी, अगर बंदे दो बंदे, ठीक है, एक दूसरे का नंबर वायरल कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ भी अपने कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइज उन दोनों को किक करो ना, एक पे क्यों रिक्वायरमेंट रख रहे हो। अगर समझ लो, अगर दोनों बंदे एक दूसरे का नंबर वायरल कर रहे हैं, तीसरे बंदे का नंबर वायरल कर रहे हैं, तो जो दो बंदे नंबर वायरल कर रहे हैं तो दोनों किक करो, एक पे क्यों रूल रखा है तुम लोगों ने। एंड गाइस ये बंदा अगर उन लोग को मैसेज कर रहा है तो गाइस पहले तो इस बंदे के मुंह से खुद ही सुन लो ये क्या कह रहा है। क्या सीन था, मैंने ये वाला जो अपना पुराना वाला अकाउंट था
11 का शायद आई गेस, उसको मैंने सेल करके मैंने उनको बोला था कि मैं न्यू आईडी सीएनजी में आऊँगा, तो अभी इससे मैं डीप हो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ओके हम दे लेंगे न्यू आईडी को ग्रेड में, बट फिर मैंने ये वाला आईडी सेल किया। इसके बाद मैं न्यू आईडी से आने लगा तो उसने बोला कि भाई सबके डुअर डाई मैचेज होंगे, नॉन्स्टॉप भाई ने बोला। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, मैं डुअर डाई मैचेज करके आ जाऊँगा, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मैच अगर जीतता हूँ तो मैं आ जाऊँगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना सीन यहाँ तक तो सब क्लियर था, बट उसके बाद में क्या होता है, एक बंदा है ग्रांत का दोस्त, आप सब लोग शायद जानते होंगे शायद, कि उसका नाम है प्रिंस। तो वो बंदा हमारे डिस्कॉर्ड पे आके बोल रहा है भाई मेरे को आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, ऐसा ऐसा मेरे से कुछ तो सीन हो रहा है। हमने बोला भाई क्या होगा, क्या बताया हमको। तो भाई वो बंदा आके बोलता है कि भाई जीयू सेंगरी है ना, ये लोग मेरा दोस्त ग्रांत है, इसको मेरे से बात करने से मना करते हैं और उसको मेरे खिलाफ भड़काते हैं, और अगर मैं उनको कुछ बोलूं तो वो मेरे को धमकी देते हैं कि हम तेरी बहन का नंबर वायरल कर देंगे। बोलते जीयू मेरे को धमकी देते हैं कि मैं तेरी बहन का नंबर वायरल कर दूंगा अगर तूने कुछ बोला। हमने बोला वो सब पर्सनल मैटर है, बट वो बहन की धमकी है, बहन का नंबर वायरल करने की धमकी दे रहा, वो बात हमको अच्छी नहीं लगी। तो हमने बोला भाई चलो बात करके आते हैं उनके डिस्कॉर्ड पे हम जाके, तो उसको समझाते भाई ये नंबर वायरल वाला, नंबर वायरल करो अलग है, नंबर वायरल भी गलत चीज़ है बट बहन का तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। हम उसके डिस्कॉर्ड पे गए, उसने सिर्फ हमारे दोस्त बेनी को ऊपर खींचा, हम सब नीचे बैठे, हमें नहीं पता उनकी क्या बात हो रही है ऊपर, क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, उनके पर्सनल वीसी पे हिडन वीसी पे, और हम सब नीचे पब्लिक वीसी बैठे हैं। तो उसका एक बंदा मेरा नंबर और स्टिंग का नंबर उसके जनरल चैट में एवरीवन करके डाल रहा है, वायरल कर रहा है। उसका एक बंदा था, उसी ने बोला होगा जी, उसने जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरे को पता भी है बट अब झूठ बोले तो अलग बात है। वो बंदा मेरा नंबर डाल रहा है एवरीवन करके उनके जनरल चैट में, तो मेरे को गुस्सा आया भाई, मेरे को तो पता नहीं वो बंदा कौन है, तो मैंने उठा के जी उसका नंबर डाल दिया चैट में। मैंने उसका नंबर डाला, वो तो मतलब लोगों ने देखा ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे उसका नंबर डाला तो उसने तो डिलीट ही कर दिया चैट, तो किसी ने देखा ही नहीं होगा। पहली बात मेरी गलती थी, मैंने मान लिया, बट इसकी वजह से मेरे को मेनली उन्होंने बैन किया, मेरी गलती है इसमें मैं मान रहा हूँ। बट उसके बाद जी उसने अपनी इंस्टा स्टोरी पे मेरा और स्टिंग का नंबर डाला, इंस्टा स्टोरी पे कितने बंदे देखते हैं पता है ना मेरा मैसेज। और यादव जी भाई, यादव ऐसा बंदा है ना भाई, उसको जी भी नहीं बोलूँ मैं, यादव भाई ऐसे बंदे हैं ना कि उन्होंने मेरे से भाई पूछा तक नहीं कि क्या सीन है, उसने डायरेक्ट मेरे को किया बैन, और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मेरे को क्या, उसने तो मेरा इंस्टा स्टोरी पे डाला ना, अगर मेरे को कर रहा है तो उसको भी तो करो ना। मैंने मेरा तो किसी ने मैसेज देखा भी नहीं होगा इतना, उसने तो डिलीट कर दिया मेरा मैसेज, क्योंकि उसका डिस्कॉर्ड सर्वर था, और उसने मेरे इंस्टा स्टोरी पे नंबर डाला, तो उसको भी तो बैन करो ना, मेरे को अकेला बैन। गाइज यहाँ तक वीडियो देख लिया, तो गाइज मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ जो पॉइंट है, ठीक है मैं अब किसी की साइड नहीं हूँ, लेकिन गाइज यहाँ जो बंदा है ये बोल रहा है कि बिल्कुल सही है, कि मतलब ये बंदा अपनी गलती मान रहा है, ठीक है, एंड ये बोल रहा है कि अगर तुम लोगों ने मेरे को मतलब गिल्ट से किक किया तो उसको करो ना, जिसने मतलब मेरा पहले नंबर वायरल लिया फिर मैंने किसी और का किया, मतलब तुम्हारे ग्रुप में जो बंदा था उसने मेरा नंबर वायरल किया फिर मैंने तुम्हारा नंबर वायरल किया, ठीक है, मतलब डिस्कॉर्ड में डाला। तो गाइस यहाँ दोनों बंदों को गिल्ड से किक करना चाहिए, लेकिन गाइस यहाँ एक ही बंदा गिल्ड से किक हो रहा है, एंड जो इनका गिल्ड का ऑफिसर है, ठीक है, वो बगैर ना ग्रुप में बुलाए ना पूछे बंदे को कर दे रहा है किक, ठीक है, ना रीजन पूछ रहा है हुआ क्या था, ना पूछ रहा है दोनों बंदों से कि मतलब हुआ क्या था, क्यों मतलब गिल्ड से किक कर रहे हो, मतलब क्या सीन हुआ था, ठीक है, ना बगैर पूछे हुए ये दोनों बंदे किक कर दे रहे हैं, वैसे करने में रिप्लाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड गाइस मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो गिल्ड लीडर है, ठीक है, जो नॉनस्टॉप भाई अपने, वो अभी के समय पे सिर्फ लाइव वाइव भी कर रहे हैं, ठीक है, तो गिल्ड में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो गाइस मैं उनको यही रिक्वायरमेंट करूँगा कि अपने जो गिल्ड पे थोड़ा ध्यान दे, ठीक है, गिल्ड में चल के आ रहा है, ठीक है, जो बंदे तीन तीन साल मेहनत करके गिल्ड में जा रहे हैं, ठीक है, उनको एक सेकंड में बंदे किक कर दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे जो ऑफिसर्स हैं उनको एक सेकंड में किक कर दे रहे हैं, कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है, एनजी गिल्ड वालों के हिसाब से, जो एनजी गिल्ड में अपनी इतनी मेहनत करके हार्डवर्क करके जो 6-6 बजे सुबह के लाइव होती थी, ठीक है, बंदे जाते थे, वो आपकी गिल्ड में जब आ जाते हैं तो बंदे तीन साल मेहनत करके आते हैं गिल्ड में तो एक महीने बाद उनको किक मिल जाता है, ठीक है, ये सीन चल रहा है गिल्ड में। तो गाइस अभी ये बंदे के मुंह से खुद ही सुन लो, सुबह 9 6 बजे स्ट्रीम करते थे फेसबुक पे, और 6 बजे मैं जाता था सुबह उठ के, बंदे सो रहे होते थे और मैं जाता था भाई गिल्ड टेस्ट देने उनके लाइव पे, फुल में वाला ये क्लिप देख लो चल रही होगी ना क्लिप बैकग्राउंड में, इसको देखो कितनी पहले से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं, नॉनस्टॉप भाई मेरे को नाम से भी जानते हैं फेसबुक पे, मेरा नाम शिवम करके कुछ था, शिवम सोनी था, और नॉनस्टॉप मेरे को तब से जानते हैं भाई, मैं तब से इनकी मेहनत कर रहा हूं, अपना घिसा रहा हूं ऐसे ही, और कोई ऐसी दो बच्चे आते हैं भाई और तीन साल मेरा वेस्ट करके चले जाते हैं, वो तीन साल कहां से आएंगे जो मैंने मेहनत करके एनजी में किया, हम तो सोचते भाई इंप्रूव करेंगे नॉनस्टॉप भाई के गिल्ड में जाएंगे भाई। एंड गाइस जो क्रेजी का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो ये बोल रहा है मैं गिल्ड से हट जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो नॉन स्टॉप के बाद जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जो बंदे मतलब सोच रहे हैं कि गिल्ड एनजी गिल्ड में जाने का, तो वो अगर गिल्ड में सुधार लाएंगे तो बंदे जाएंगे नहीं, जो सबके तीन तीन साल दो दो साल खराब ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पता है सबको एनजी गिल्ड की जो रिक्वायरमेंट है गिल्ड में लेने की वो बहुत हार्ड है, ठीक है, सबको पता है जो अपनी इतनी ख़तरनाक गेम प्ले करके वो बंदे गिल्ड में जा रहे हैं, ठीक है, एंड उनको लास्ट में किक मिल रहा है। तो गाइस ये बोल रहा है बंदा कि मेरी यही गेम मतलब लास्ट पॉइंट है कि मतलब मेरी मैं तो किक हो ही जाऊंगा, ठीक है, मैं तो परमानेंट किक हो गया हूं, लेकिन गिल्ड में सुधार आ जाएगा ये अगर वीडियो एनजी मतलब लीडर के पास जाएगा, ठीक है, एंड के यही इसका लास्ट पॉइंट है। एंड ये बोल रहा है जो एनजी गिल्ड के ऑफिसर थे, ठीक है, उनको हेट कर रहा है कि वो जो बंदे हैं वो मतलब अगर उनको जी जी करके बोलेंगे तो गिल्ड में रखेंगे, ठीक है, मतलब उनकी चमचागिरी करके गिल्ड में रहोगे तो सही है, नहीं तो
को किक कर देंगे, ठीक है। तो यही थी कुछ पॉइंट, ठीक है। एंड गाइस वीडियो 9 मिनट की होगी। एंड गाइस यहाँ से जो आप मतलब फैसला करोगे इसमें कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। एंड गाइस एक बात और, ठीक है, ये जो लाका गेमिंग है, ठीक है, इसको देखना बंद कर दो, ये गांडू बंदा है। मतलब देखो यार, हर एक चीज़ को देखो, लेकिन गाइस जो मतलब जिस चीज़ के काबिल है, ठीक है, उसको ये मतलब इतनी सपोर्ट करो, जो फेयर प्लेयर है उसको करो, जो बंदा मतलब हैक यूज़ करके पैनल यूज़ करके बंदा फुल रेड मार रहा है तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड गाइस वीडियो इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जब तक के लिए बाय बाय।